बिहार चुनाव के मद्देनजर 1 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऐसे में सभी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर के बेचैनियां बढ़ गई हैं। हर पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने घटक दलों से सीट की मांग कर रही है। इस बीच खबर आ रही है कि एनडीए में सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद उनके गठबंधन में बने रहने की बात पक्की मानी जा रही है। भाजपा ने जिन सीटों को लेकर के एलजेपी को ऑफर दिया है उस पर चिराग ने संतोष कर लिया है। इतना ही नहीं, चिराग ने भाजपा के लिए जमुई विधानसभा की सीट भी छोड़ने को तैयार हो गए हैं। बता दें कि भाजपा जमुई से इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है, जिस पर चिराग ने भी सहमति जताई है। नड्डा से इस मुलाकात में लोजपा को 27 विधानसभा, 2 विधान परिषद और 1 राज्यसभा सीट देने की बात कही गई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से मिले इस ऑफर के बाद भी चिराग ने अभी तक सब कुछ साफ नहीं किया है। इसे लेकर के उन्होंने पार्टी की संसदीय दल की बैठक बुलाई है, जिसके बाद वो आगे का फैसला लेंगे। वहीं जेपी नड्डा से मुलाकात के एक दिन बाद ही मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शहनवाज अहमद का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी की तरफ से चिराग ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। शहनवाज के इस बयान के बाद एक बार फिर से तकरार की बातें सामने आ रही है। मालूम हो कि लोजपा ने एनडीए से विधानसभा चुनाव के लिए 42 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन अभी तक इस पर कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। इसी को लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो वो अकेले दम पर बिहार में 140 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने तय समय पर सीट बंटवारा न होने पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन जब उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई तो राजनीति के जानकारों ने कहा कि ये बातचीत सकारात्मक रही और बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाला है। बता दें कि लोजपा की नाराजगी मुख्य रूप से 2 मुद्दे पर है। पहला तो ये कि एनडीए में सम्मानजनक सीट बंटवारे को लेकर के, और दूसरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के। दूसरी नाराजगी विधानसभा में सीट बंटवारे से जुड़ी हुई है। मालूम हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू महागठबंधन का हिस्सा थी। ऐसे में भाजपा ने एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसके हाथ 42 विधानसभा सीटें आई थी, लेकिन इस बार जदयू एनडीए का हिस्सा है। इस कारण से उन 42 सीटों में से कई ऐसे सीटें हैं जो जदयू के खाते में जा सकती है। इसी को लेकर के एलजेपी की नाराजगी चल रही है। हालांकि भाजपा ने लोजपा को ये आश्वासन दिया है कि वह अपने मनपसंद की सीटों को चुन सकते हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में अब सब कुछ सही हो जाएगा। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।